हजरत अंजुमन कौसरिया तुरावी आज़मी साहब का लोहा पढ़ने जा रही थी, लेकिन अंजुमन के साबिक शायर कैसर नवाब जौनपुरी साहब का इंतकाल हो गया और आज अंजुमन उन्हीं का लोहा पढ़ेगी और सैयदा के लाल का सैयदा को पुरसा देने के साथ साथ इस नवे का जो अजर सवाब है अंजुमन कैसर भाई की रूह को इशाल करेगी। बात में उसे Yeah.
बंद मुलाजा फरमाएगी जरा जहाँ जामी बतौर खास Thank you.
मसरूफ़ नौ मातम है अंजुमन कौसरिया रिजवी ख़ान। इस अंजुमन के फौरन बाद अंजुमन हैदरिया कुरापट्टी नौ मातम के लिए आमादा रहे। तो ज़ैनब ये बयां
आखिरी बंद मुलादा फरमाए हजरत। मसरूफ़ मातम है अंजुमन कौसरिया रिज़वी ख़ान। इस अंजुमन के फौरन बाद अंजुमन हैदरिया गोरापट्टी नवा मातम करेगी। अंजुमन कौसरिया रिज़वी ख़ान के सदर सेक्रेटरी से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द अपने नौवां मातम को मौकूफ़ करें। और हज़रात अंजुमन ज़ुल्फ़िकारिया बड़ी मस्जिद जुलूस के हमरा अज़ा खाने के गेट तक आ चुकी है, लिहाजा इस अंजुमन के फौरन बाद अंजुमन
जुल्फ़िकारिया बड़ी मस्जिद नौ मातम करेगी। अब की बरसा दूरी है हसरत मेरे इमाम, अब की बरसा दूरी है हसरत मेरे इमाम, हम आपकी ना कर सके खिदमत मेरे इमाम, अंजुमन कौसरिया रिज़वी खां के सदर सेक्रेटरी से गुजारिश है कि वक्त ज़्यादा हो रहा है, आप अपना नौ मातम जल्द अज जल्द मौकूफ़ करें। अंजुमन जुल्फ़िकारिया बाहर खड़ी हुई है, आप इसका ख्याल रखें कि अभी हमें और भी अंजुमनों को वक्त देना है। खुदा के वास्ते मेरी इस गुजारिश को सुन लीजिए, जल्द अज जल्द अपने नौहे मातम को मौकूफ करें। अंजुमन कौसरिया रिज़वी खां के दस्ते से गुजारिश है कि अपने नौ मातम को मुलतवी कर दें। यही पर तो उठाओ हाथ ऊपर।